हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट 2 फॉर क्लास 8 मैथमेटिक्स की। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 2 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें आपको एक टेस्ट दिया गया है 20 मार्क्स का, 10 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। और ये जो टेस्ट है आपका, ये वर्कशीट नंबर 8 to 12 जो है उनके ऊपर बेस्ड है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो ए ग्रुप ऑफ एक्स पीपल वर आस्क्ड टू चूज देयर फेवरेट फ्रूट, ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल हैं कितने, एक्स हैं, उनको उनका फेवरेट फ्रूट जो है वो चूज करने के लिए बोला गया। 1/4 चूज कीवी, 1/3 चूज बनाना एंड 2/5 चूज ऑरेंज एंड 3 पीपल चूज ग्रेप्स। तो इसमें देखिए 1/4 ने क्या चूज किया, 1/4 ने किया यहाँ पर कीवी, तो टोटल एक्स थे, 1/4 ने किया एक्स इंटू 1/4 तो कितना आ जाएगा एक्स बाई फोर, 1/3 ने किया चूज बनाना तो एक्स बाई थ्री, 3 पीपल तो 3 एंड 2/5 ने किया ऑरेंज तो एक्स इंटू 2/5 तो क्या आ जाएगा 2x/5। क्लियर है, तो इन्होंने इस तरह से इसको चूज किया। नाउ बेस्ड ऑन द सिचुएशन डिस्क्राइब अबो आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 4। अब पहला जो है, हाउ मेनी पीपल चूज कीवी, कितने लोगों ने कीवी को चूज किया, तो कीवी का हमने पढ़ा था कितने लोगों ने किया, 1/4 ने किया, तो कितना आ गया हमारा आंसर एक्स बाय फोर। हाउ मेनी पीपल चूज ऑरेंज, ऑरेंज कितनों ने किया, 2x/5, तो यहाँ पे लिख देंगे 2x/5। एक्सप्रेस द अबो सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन की टर्म में आपको जो है इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं, देखिए टोटल यहाँ पे पहले कितना है एक्स प्लस फोर, उसके बाद x/4 प्लस x/3 प्लस 2x/5 और प्लस 3, ये टोटल किसके इक्वल है, ये है x के इक्वल, इतने लोग हैं ना, और वो टोटल लोग कितने हैं x हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम नेक्स्ट करेंगे, हाउ मेनी पीपल वर देयर इन द अबव ग्रुप, तो अबव जो ग्रुप है वो उसमें कितने टोटल पीपल हैं, तो यहाँ पे हमने जो x माना है, हमें ये जो हमारे इक्वेशन बनी है यहाँ से हमें x की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। तो आइए इसका आंसर करते हैं। सो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो देखिए x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से LCM आ गया हमारे पास 60, ठीक है। तो यहाँ से जो है 15 4 जा 60, तो 15x आ गया, 3 20 जा 60, तो 20x आ गया, 5 24 जा 60, ठीक है, 5 12 जा 60, तो 12 2 जा 24x आ गया, ठीक है ना, 12 5 60 होती है ना। उसके बाद देखिए 60 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 180। ये तो बहुत इजी है बच्चों, खुद से भी कर सकते हो। अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 60x आ गया, इन सबको हमने क्या कर दिया, इन सबको हमने जोड़ दिया, तो कितना आ गया हमारे पास 59x आ गया यहाँ से, और प्लस में 180। अब इसको हम इधर लेकर गए तो ये माइनस में हो गया, इज इक्वल टू 180, और x का मान हमारे पास, x की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारे पास 180। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया हमारे पास 180। इन द इक्वेशन 3x इज इक्वल टू 4 - x ट्रांसपोर्टिंग -x, ये जो -x है इसको ट्रांसपोर्ट करना है टू लेफ्ट हैंड साइड, यानी इक्वल टू के इधर लेकर जाना है, देन द रिजल्टिंग इक्वेशन, तो तब रिजल्टिंग इक्वेशन क्या होगी वो आपको यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ से करेंगे, 3x है ये -x है ना, इस -x को उठा के यहाँ लेकर जाइए, तो ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 4x इज इक्वल टू 4, वैसे तो ये आप केवल इक्वेशन बोला गया है, ये भी लिख दोगे तो सफिशियंट है, अगर आगे सॉल्व करना चाहो तो आगे सॉल्व कर सकते हो। तो 4x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/4, आंसर आ गया 1, तो यहाँ से आप इसका आंसर कर देंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 11² एंड 12², ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे हम बच्चों, 11 का स्क्वेयर कितना हो जाता है 121, और 12 का स्क्वेयर हो जाता है 144, ठीक है। तो अब देखिए कैसे करते हैं हम इसको, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 144 में से -121 करेंगे और साथ में -1 और करेंगे। -1 हमने क्यों किया ये मैं अभी बताऊंगी आपको, तो इसमें से आंसर आपका आ जाएगा 22। तो यानी कितने नेचुरल नंबर हैं 11 का स्क्वेयर और 12 के स्क्वेयर के बीच में, वो है आपके टोटल 22। अब अगर एक छोटी सी बात को हम यहाँ पे समझते हैं, देखिए मान लीजिए आपके पास 4 है और 7 है, 4 और 7 के बीच में आपको कितनी संख्याएं निकालनी है, आपको बताना है कितने नेचुरल नंबर है, तो 7 में से 4 गया 3, लेकिन 4
चार के बीच में अगर हम देखें तो दो ही तो हैं, फोर फाइव एंड सिक्स, ठीक है ना। तो यानी हमें थ्री में से एक और माइनस करना पड़ेगा तब हमारे पास टू आएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, टोटल यहाँ से माइनस करके और उसमें से एक और माइनस किया हमने, इसीलिए हमारे पास सही आंसर आएगा 22, आंसर आएगा 22, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इफ एक्स इज एन इवन नंबर राइट द नेक्स्ट ओड नंबर एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको जस्टिफिकेशन भी देनी है, एक्स अगर इवन नंबर है तो नेक्स्ट ओड नंबर क्या होगा, मान लीजिए फोर है, फोर में अगर आप एक ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट ओड नंबर आएगा, क्लियर। सो यहां से करेंगे, मान लीजिए गिवन एक्स इज जो है क्या है, इवन नंबर है, नेक्स्ट ओड नंबर कैसे निकालेंगे, एक्स में एक प्लस कर दीजिए, जस्टिफिकेशन देख लीजिए, मान लीजिए एक्स जो है वो फोर है, फोर क्या है ये इवन नंबर है, ओड नंबर निकालेंगे तो फोर में एक जो है वो ऐड कर दीजिए, कितना आ गया फाइव आ गया, फोर प्लस वन कितना हो गया फाइव हो गया। तो ये हमने क्या कर दी, हमने जो है इसकी जस्टिफिकेशन भी कर दी है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल पीस ऑफ पेपर इज 13 सेंटीमीटर एंड इफ इट्स विड्थ इज 2.5 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। आपको पेरीमीटर दिया गया है एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर का, ठीक है, जो कि किसके इक्वल है 13 के, इसकी विड्थ दी गई है 2.5 2.5 और आपको इसकी जो है लेंथ यहाँ पर निकालनी है। तो इसका लिए फॉर्मूला हम लगा देंगे, बहुत सिंपल है। सो यहाँ से करेंगे, देखिए इसका जो है पेरीमीटर क्या दिया गया है, पेरीमीटर दिया गया है दैट इज फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 13, ये हमें दिया गया है 13। सो L हमें निकालना है, B हमें 2.5 दिया गया है, तो ये 13 के इक्वल हो जाएगा। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2L प्लस 5 कितना आ गया 13, सो 2L इज इक्वल टू 13 माइनस 5, इसको इधर लेकर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, कितना आ गया 8, L की वैल्यू आ गई 8 डिवाइडेड बाय 2, तो L की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 4, तो इसकी लेंथ आ गई हमारी यहाँ पे 4 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ रिया एंड प्रिया इज 30 एंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 2:3 एंड देन फाइंड देयर एजेस। यहाँ पे रिया और प्रिया की जो एज है वो दी गई है 30 और उनका रेशियो कितना है 2:3 का है, यानी आप क्या लिख सकते हो कि यहाँ पर एक्स मान के कि रिया की एज 2x मान लीजिए और इसकी जो है 3x मान लीजिए, यहाँ से आप इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 30 के इक्वल। तो ये एक इक्वेशन आ गई, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे। सो यहाँ से करेंगे, रिया और प्रिया की एज जो है वो कितनी है 30 है, ठीक है। आप देखिए रिया और प्रिया का जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया है 2:3 या 2:3, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। नाउ लेट एज ऑफ रिया हमने कितनी मानी 2x, एज ऑफ प्रिया है 3x, यहाँ से हम इक्वेशन बना लेंगे 2x प्लस 3x किसके इक्वल हो जाएगा 30। तो यहाँ से कितना आ गया 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, तो 5x इज इक्वल टू 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिवाइडेड बाय 5, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 6, ठीक है, 5 6 जा चला जाएगा तो x की वैल्यू 6 आ गई। तो अब आपको बतानी है रिया की एज, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो रिया की एज कितनी आ गई, 6 इंटू 2 कितना आ गया 12 ईयर्स, क्लियर है। और इसी तरह से प्रिया की एज आ गई 6 इंटू 3 यानी 18 ईयर्स आ जाएगी, इंग्लिश में लिख दीजिए, ठीक है 18 ईयर्स। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, सोल्व फॉर एक्स, एक्स की जो है वैल्यू यहाँ से आपको निकालनी है, जो इक्वेशन आपको यहाँ पे दी गई है। सो यहाँ से निकाल देंगे, देखिए एक्स माइनस 3 है डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1:1/2, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से इसको हम सिंपल कर लेंगे, 2 1 2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इस पूरे को जो है 2 से मल्टीप्लाई किया और इस पूरे को 3 से किया, 2x माइनस 6 आ गया, इधर 3x प्लस 3 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, 3x को हम इधर लेकर आए तो ये माइनस में हो जाएगा और 6 को उधर लेकर गए तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 2x 3x में से 2x माइनस करेंगे तो x बचा लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर हमारे पास ज़्यादा है, और 6 प्लस 3 कितना आ गया 9 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, x की वैल्यू आ गई आपकी माइनस 9। तो इस तरह से आपको इसको अपनी कॉपी में सॉल्व कर लेना है। सो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट, आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये वर्कशीट क्लियर है, कोई भी डाउट है तो बच्चों पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, टेक केयर, बाय बाय।